स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने जो अपने इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश लोग भारत में सफल हुए या उनका इतिहास, और हमने इतिहास को कुछ इस तरीके से पढ़ाना शुरू किया है कि इस प्रकार से इतिहास को पढ़ने के बाद मैंने बताया कि आप वन डे एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे लेखपाल का दे रहे हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम दे, चाहे आईएएस का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम दे, सभी कंप्लीट होंगे इसमें। क्योंकि मैंने जीएस को इस तरीके से लिया है, ना तो ज़्यादा समय भी लिया है और मेन फैक्ट को भी मैंने उसमें ऐड कर लिया है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ इतिहास ये रहा है कि ब्रिटेन के लोग हमारे देश में सफल क्यों हुए। अगर मैं इसके लिए इस बात करूँ तो मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया था कि ब्रिटेन में जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत हो गई थी, तो इससे तो ये तय हो चुका था कि अंग्रेजों में यानी ब्रिटेन में आधुनिक विज्ञानवाद की शुरुआत हो चुकी थी, जो जिसके कारण वहाँ पर 1688 में क्रांति हुई थी, जिसे कहा जाता है रक्तपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है ब्रिटेन में। 1688 में वहाँ की क्रांति के बाद वहाँ पर लोकतंत्र की सरकार बनी। लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ की जनता की सरकार बनी, और जब वहाँ पर जनता की सरकार बनेगी तो इसका मतलब है कि सरकार जब भी अपने यहाँ अधिकारी मंत्री नियुक्त करेगी तो वहाँ की जनता की राय से रखी जाएगी। जनता की राय में जब भी रखी जाएगी तो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं रखा जाएगा। अगर मूर्ख व्यक्ति सरकार में आता है तो इसका मतलब है कि अगला जो चुनाव होगा उसने अगर गड़बड़ काम किया होगा तो चुनाव हार जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि वहाँ के अब राजकाज में यानी वहाँ के जो प्रशासन में, जो निगरानी में अब जो भी व्यक्ति आएगा वो पढ़ा लिखा समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा। उनके द्वारा जो भी अगर कहीं पर लड़ाई लड़ी जाएगी तो सिंपल सा मतलब है कि वो लोग तैयारी ट्रेंड पर्सन लोग हैं, ट्रेंड व्यक्ति लोग हैं, वो जल्दी लड़ाई हारेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने दुनिया में हर जगह पर परचम लड़ाया अपनी जीत का। और हमारे भारत में उस वक्त स्थिति कैसी थी 1688 में हमारे देश में शासक थे औरंगजेब, और जगह जगह पर राजपूत शासक थे, अलग अलग जगह पर कई प्रकार के शासक थे। ये शासक क्या करते थे कि ये लोग जहाँ पर भी नगर में भ्रमण करने जाते थे, इनको कोई कन्या पसंद आ गई तो उनको देखते इनको प्रेम हो जाता था, पहले ही प्रेम। और हमारे देश के जो राजा लोग थे ये इतने दयालु और सहृदय वाले थे कि इनको कोई कन्या पसंद आ जाए या किसी कन्या ने किसी मूर्ति को देख कर कह दिया कि मुझे ये राजा पसंद है तो इनको प्रेम हो जाता था, इतने सहृदय और दयालु हुआ करते थे। और एक नहीं कई रानियां रखेंगे, और कई रानियां रखेंगे तो इनके कई साले होंगे, कई रिश्तेदार होंगे, इनके पिताजी ने भी कई रिश्तेदार बना के, इनके बच्चे भी कई रिश्तेदार, तो जो इनके प्रशासन जो इनके मंत्री बनेंगे या जो इनके अधिकारी बनेंगे तो इनको अपने रिश्तेदार हो जाएंगे, और अत्याचार इन्हीं के लोग करेंगे। जब इन्हीं के लोग अत्याचार करेंगे तो यहाँ की जो आम जनता है वो इन राजाओं से क्या हो जाएगी, तंग हो जाएगी। इन राजाओं से तंग होने का मतलब है कि जब लड़ाई लगेगी तो यहाँ के राजा का समर्थन यहाँ की जनता ही नहीं करेगी, सिंपल सा बात भाई नहीं करेगी। और वहाँ के लोकतंत्र की सरकार है, वहाँ का जो लड़ाई लड़ने वाले हैं समझदार बुद्धिजीवी और शिक्षित है, और हमारे यहाँ के राजा वही रानियों में व्यस्त रहने वाले, इनके प्रशासन को इनके प्रशासन में कौन सम्मिलित है, इन्हीं के रिश्तेदार वो मूर्ख लोग, और उनका पुत्र लड़का जो राजा है अपने चार भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त किया, तो बस लड़ाई करना जानता है, वो भी लड़ाई ठीक से नहीं करना जानता है। तो इस तरीके से ब्रिटेन को भारतीय राजाओं को हारने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और ना ही उनको ज्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ा। तो 1600 से जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी तब से लेकर उसके बाद का इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। और उसके बाद जो 1688 के बाद वहाँ ब्रिटेन की क्रांति हुई, तो भारत में पहले वो लोग सिर्फ व्यापार करना चाहते थे भारत में, क्योंकि वहाँ भी राजा था 1688 तक, जब 1600 में आए थे 1688 तक वो सिर्फ भारत में व्यापार करना चाहते थे, यहाँ पर शासन स्थापित नहीं करना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1688 जब वहाँ पर लोकतंत्र सरकार बन गई तो फिर वहाँ से तो अच्छे रणनीतिकार आने लगे, तो रणनीति बना बना करके किस तरीके से साम्राज्य स्थापित किया जाएगा, किस तरीके से वहाँ का साम्राज्य अपने कब्जे में लिया जाएगा, उस बात को फिर अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जामों में, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। पूछा जाता है कि वो प्रथम वहाँ के जो राजा थे, राजा के द्वारा जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे
उनको भारत में कब भेजा गया था, 1608 में, और ये कहां पर आए थे, सूरत में। हर एक पॉइंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में कब आए थे, 1608 में, और वो किस कहां पर आए थे, तो सूरत में आए थे। कहां पर आए थे, सूरत में आए थे। और फिर उस सूरत में जब आए तो भारत में उस वक्त जो राजा थे कौन थे, जहांगीर। कौन थे, जहांगीर। तो ये पूछा जाता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो आए थे किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। ये अकबर का पुत्र था जिसे को सलीम के नाम से जाना जाता था, उसी का पुत्र है, उसके दरबार में आगरा में गए थे जहांगीर से मिलने के लिए। आगरा में गए थे, उनको क्यों गए थे, भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए। वहां पर जो राजा जेम्स था उसका कहना था कि जाओ भाई भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त, जेम्स नहीं, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ थी, भारत में व्यापार करने की अनुमति के लिए आए थे। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किया। देखो जब वो 1608 में आए थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, तो जहांगीर इसके व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ था क्योंकि यह फारसी भी बोलता था कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो मैंने भी बताया था पिछली कक्षा में कि इसे इंग्लिश खान की भी उपाधि जहांगीर ने ही दी थी। तो 1608 में इसे सूरत में व्यापार अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी जहांगीर ने, जहां 1608 में। फिर उसके बाद उनसे जहांगीर से इसका विवाद उत्पन्न हो गया अंग्रेजों का, तो उसने जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी उसको उखाड़ के फेंक दिया जहांगीर के सेनाओं ने। तो वो कहां फिर चले गए, 1611 में जाकर के मसूलीपट्टनम में, 3 साल बाद मसूलीपट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहां पर अपना व्यापार स्थापित किया, अपना फैक्ट्री स्थापित किया। फिर उसके बाद जो था 1613 में फिर आकर इन्होंने सूरत में ही क्या किया, अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फिर क्यों अनुमति दे दिया फैक्ट्री स्थापित करने का, क्योंकि जो मुगल शासक थे जहांगीर थे, इनको पुर्तगालियों से क्या था, बहुत डर लगता था। पुर्तगालियों से क्या होता था, हमेशा विवाद होता रहता था। तो पुर्तगाली को एक व्यक्ति था, अंग्रेज एक व्यक्ति था, उस अंग्रेज व्यक्ति ने पुर्तगालियों को हरा दिया 1611 में। तो जहांगीर को यह लगा कि भाई पुर्तगाली को हराने वाला कौन अब आ गया है, ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटेन को अपनी तरफ मिला ले। जहांगीर ने अंग्रेजों को इसलिए नहीं मिलाया था कि अंग्रेज बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मिला था क्योंकि पुर्तगालियों से हमारा अच्छा कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे, क्योंकि उस वक्त भारत का जो हिंद महासागर वाला एरिया था, समुद्री मार्ग था, उस पर कब्जा किसका था, पुर्तगालियों का था, और उस पुर्तगालियों से मुक्त कौन करा सकता था हिंद महासागर में जहांगीर को, तो अंग्रेज। इसलिए अंग्रेज ने फिर उनको अनुमति दी 1613 में, सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में। जैसे पुर्तगालियों ने कहाँ पर, कोचीन में। जैसे कि डचों ने कहाँ पर, तो मसूलीपट्टनम में। तो इसी प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो आप लगाएंगे मसूलीपट्टनम में। कब स्थापित की थी, 1611 में। ठीक है, इतनी बात समझी। फिर उसके बाद सर थॉमस रो, सर थॉमस रो जो था वो 1615 में आया, जेम्स प्रथम राजा भागा था, एलिजाबेथ मर गई 1614-15 में, तो उसका पुत्र जो था जेम्स, ये जेम्स गद्दी पर बैठा, और जेम्स प्रथम था, ये प्रथम मतलब जेम्स कई थे, तो उनमें से प्रथम जेम्स जो था उसका राजदूत, राजदूत का मतलब होता है कि वहां के राजा के द्वारा जो दूत भेजा जाएगा भारतीय राजा के दरबार में, उसे कहा जाता है राजदूत, राजा का जो चेला होता है, राजदूत बनकर आया था सर थॉमस रो आया था। ये पूछा जाता है कि जेम्स प्रथम यानी वहां के राजा जो जेम्स प्रथम थे उसके द्वारा भारत में भेजा गया प्रथम राजदूत कौन था, तो आपको याद है थॉमस रो, नहीं कि कैप्टन हॉकिंस लगा दे। जब वहां के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा पूछा जाएगा तो फिर आप थॉमस रो लगाएंगे, एलिजाबेथ के द्वारा पूछा जाएगा तो कैप्टन हॉकिंस। तो ये क्वेश्चन याद है क्योंकि क्वेश्चन के नजरिया बदल गया, इसलिए कंपटीशन कर रहे हैं कि लोग टफ हो गए, क्योंकि क्वेश्चन के जो सीधे पूछने के तरीके थे वो बदल चुके हैं। ठीक है, तो जहांगीर फिर जानते हैं कि 1627 में ये क्या हो गया, मर गया। तो इतना ही आपको बात याद रखना है जहांगीर के शासनकाल में। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थिति रही उस वक्त, ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 ईस्वी में, मैंने जो बताया कि अपना प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम। ये मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। मैंने कहा था कि वहां पर एक गेट बना था, गेट पर मछली की आंखें लगाई गई थी जिसके कारण उसका नाम मछलीपट्टनम था, लेकिन बाद में उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मसूलीपट्टनम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम स्थापित किया। दक्षिण भारत पूछे तो आप बताएंगे मसूलीपट्टनम कब, 1611 में। फिर 1632 में, बस पॉइंट आपको याद करना है इधर, 1632 में गोलकुंडा के जो शासक थे, गोलकुंडा कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आज के समय में तेलंगाना में, आज के समय में कहाँ पड़ता है,
तेलंगाना में, गोलकुंडा तेलंगाना पड़ता है। 1632 ईस्वी में वहां के जो शासक था उस शासक का नाम था, वहां का जो गोलकुंडा का जो शासक था वहां के शासक से सुनहरा फरमान मिला। सुनहरा फरमान का मतलब है कि आप जो गोलकुंडा के अंतर्गत तो बंदरगाह आते हैं उन बंदरगाह का अंग्रेज लोग अपने व्यापार के लिए आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब आसानी से वहां से आप अपने आयात निर्यात समुद्री मार्ग के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था गोलकुंडा के शासक द्वारा, तो 1632 में। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कहाँ के राजा से प्राप्त हुआ था, तो गोलकुंडा। तो दो पॉइंट ये याद रखना दोनों तरीके से। फिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1639 में क्या पूछता है, 1639 में फ्रांसिस डे, नाम है फ्रांसिस डे। पहली बात तो यही नाम इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस डे जो था वो कहाँ का नागरिक था, तो ब्रिटेन का। नहीं तो नाम से पता चल रहा है कि फ्रांसिस डे लिखा है आप लगा देंगे फ्रांस का था। तो फ्रांसिस डे नामक जो व्यक्ति है ये एक अंग्रेज था, अंग्रेज नामक व्यक्ति ने चंद्रगिरी कहाँ पड़ता है, ये चंद्रगिरी पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, एक पड़ता है बंगाल में। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर मिला, चंद्रगिरी का राजा जो था उसे मद्रास, मद्रास का मतलब जो चेन्नई आज के समय है वो चेन्नई, उसे पट्टे पर मिला। पट्टे का मतलब होता है कि आप कुछ भाड़ा दे करके उस मद्रास में व्यापार करना, उसे कहते हैं पट्टे पर। मैंने जैसे आपका कुछ आपको कुछ भाड़ा दिया और आपका जमीन लेकर के उस पर बोझ उतरा, उसे कहते हैं पट्टे पर। तो पट्टे पर मद्रास प्राप्त हुआ मतलब चेन्नई, आज के समय में चेन्नई प्राप्त हुआ किसके द्वारा, चंद्रगिरी के राजा द्वारा, चंद्रगिरी के राजा द्वारा प्राप्त हुआ। जहां पर बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये याद है आपको कि फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में पहला किला बनाया गया था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। किला क्या होता है भाई, किला का मतलब होता है जैसे ये आपका मकान है, इस मकान के चारों ओर क्या बनाना, गेट बना, मतलब एक बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा कर देना, उस पर गेट लगवा देना। जो गेट होता है इससे क्या होता है कि उनका जो कंपनी होता है वो सुरक्षित रहता है, कोई आक्रमण करने जाएगा तो गेट से जाएगा, आसानी से हम लोग बचा लेंगे अपनी फैक्ट्री को। तो उसे कहते हैं किला। तो किला बनाया था सबसे पहला अंग्रेजों ने कहां पर, मद्रास में, और उस किले का नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया था कब, 1639 में। ठीक है, किसने बनाया था, फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति ने, कहा का था, अंग्रेज था ये। फिर उसके बाद है 1611 ईस्वी में कैथरीन, 1661 है, 1611 नहीं 1661 में। ये कैथरीन कौन, तो जब उन्होंने पुर्तगालियों को पढ़ा था तुमने बताया था कि ये पुर्तगाली जो राजा थे उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कैथरीन। क्या नाम था उसका, कैथरीन नाम था। उसका विवाह जो राजा चार्ल्स द्वितीय थे, ब्रिटेन के लिए राजा था, ब्रिटेन का राजकुमार था जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। तो इस कैथरीन का शादी पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करवा दिया। और जैसे चार्ल्स द्वितीय से विवाह करवाया तो उस वक्त जो मुंबई था, जो मुंबई आज के समय का है, इस पर पहले व्यापार करने का अधिकार उस वक्त किसका था, पुर्तगालियों का था। उन्होंने व्यापार करने का जो अधिकार था दहेज में मुंबई को किसको दे दिया, ब्रिटेन को। मामला समझ रहे, मुंबई हमारा हिस्सा और पुर्तगाली उसको दहेज में दे रहे हैं किसे, ब्रिटेन। व्यापार करने का अधिकार बस दिए थे, ये नहीं कि मुंबई को उठा कर दिए, ऐसा बात नहीं है, व्यापार करने का अधिकार उसे प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1668 में, 68 मतलब सात सालों बाद वो जेम्स जो चार्ल्स द्वितीय जो जिसको दहेज में मिला था, इसने उस कंपनी में व्यापार करने का अधिकार जो था वो किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी 10 पाउंड मतलब हर एक साल में 10 पाउंड वहां के चार्ल्स द्वितीय राजा को देगा और व्यापार वहां से कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मैंने EIC लिखा है, EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया किसके द्वारा, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। कब, 1668 में, 7 सालों उसको मिलने के बाद, दहेज के 7 सालों बाद। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई, अब मुंबई जो कि मुंबई किसको मिल गया, मुंबई ब्रिटेन को मिल गया, मुंबई अब ब्रिटेन को मिल गया। तो मुंबई उस वक्त उतना फेमस नहीं था, ना ही मुंबई उतना विकसित था। बाद में इसी मुंबई को अंग्रेज के द्वारा एक अंग्रेज भेजा गया वहां के राजा द्वारा जिसका नाम था गेराल्ड ऑंगियर। क्या नाम था, गेराल्ड ऑंगियर। उसने इस गेराल्ड ऑंगियर को, गेराल्ड ऑंगियर ने आकर मुंबई को
स्थापित किया। तो मुंबई का संस्थापक किसे कहा जाता है? गेराल्ड अम्बियर को कहा जाता है। 1687 में मुंबई आने के बाद मुंबई में बढ़िया से बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, वहाँ पर वहाँ से व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। मतलब मुंबई को विकसित करने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो वो है गेराल्ड अम्बियर का, इसलिए मुंबई आज भी विकसित है। तो गेराल्ड अम्बियर ने विकसित किया था, इसलिए मुंबई का जनक किसे कहा जाता है? संस्थापक तो गेराल्ड अम्बियर, ये नाम याद है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद शाहजहां के काल में अंग्रेजों की क्या स्थिति रही? शाहजहां के काल में अंग्रेजों की क्या स्थिति रही? तो देखिए, पुर्तगालियों से नाराज होकर बंगाल के सीमित क्षेत्र में व्यापार करने का अनुमति इसने दे दिया। शाहजहां का शासनकाल कब से कब था भाई? 1628 से लेकर 58 तक, 1628 से लेकर 1658 तक का काल शाहजहां का था। उसी वक्त पुर्तगाली जो थे बंगाल में बड़ा उत्पात मचाए थे, शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगाली जो थे बंगाल में बड़ा उत्पात मचाए थे। तो शाहजहां ने सोचा कि मेरे पिता जो जहांगीर थे उन्होंने उधर दक्षिण भारत में पुर्तगालियों से बचाने के लिए किसको अधिकार दिया? अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो इसने सोचा कि हम भी क्या करते हैं, बंगाल में जो ये उत्पात मचा रहे हैं पुर्तगाली, यहाँ पर भी अंग्रेजों को कुछ अधिकार देते हैं, तो अंग्रेज और पुर्तगाली आपस में लड़ेंगे। ऐसा किया शाहजहां ने, चला तो शाहजहां ने चला की सोची, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ब्रिटेन वाले लोग पुर्तगाली को हरा देंगे फिर हमको भी हरा देंगे, इनको ये नहीं पता था। तो व्यापार करने का अधिकार पुर्तगालियों से नाराज होकर के ब्रिटेन को दे दिया गया, किसने? शाहजहां के द्वारा। फिर उसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम है गैब्रियल बाटन, ये एक डॉक्टर था, ये डॉक्टर था गैब्रियल बाटन, क्या था? डॉक्टर था। शाहजहां की पुत्री एक थी जो बीमार हो गई थी, शाहजहां की एक पुत्री क्या हुई थी? बीमार हो गई थी और उसका जल्दी इलाज हो नहीं पा रहा था। जानते हैं कि उस वक्त इलाज भारत में कैसा रहा होगा, वो जो हर्बलिज्म वाला होता है ना, औषधि वाला, या फिर झाड़ फूक वाला, ऊंची ऊंची वाला जो झाड़ फूक होता है, ऐसा इलाज होता रहा होगा। तो ठीक नहीं हो पा रही थी शाहजहां की पुत्री, या अपने फकीर बाबा के पास भी शाहजहां ने जरूर दिखाया होगा, ठीक नहीं वो हो पा रहा था। उसी वक्त एक अंग्रेज था बंगाल में जिसका नाम था डॉक्टर गैब्रियल बाटन, इसने शाहजहां की पुत्री का इलाज किया और वो सही हो गई। वो जो थी शाहजहां की पुत्री जो थी वो क्या हो गई? सही हो गई। जब उसकी पुत्री सही हो गई तो राजा की पुत्री सही हो जाएगी तो इनाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा है, मजाक थोड़ी है उसकी पुत्री को ठीक करे। मुझे लगता है कि गैब्रियल जो कि अंग्रेज था तो देखने भी हैंडसम हैंडसम रहा होगा, खूब सुंदर स्मार्ट रहा ही होगा, हो सकता है शाहजहां की पुत्री ने इसको देखा होगा, देखने के बाद बेचारी सोची होगी कि हाँ सच में ईश्वर ही पधार गए हमारे यहाँ, विश्वर की रूप में देखा होगा। आज भी आप देखिए ना कि आपको अगर कोई बीमारी है और आपके पास से कोई सुंदर कन्या गुजर जाए, आपकी बीमारी ऐसे ही कुछ दूर हो जाती है, या कोई सुंदर कोई कन्या है उसके सामने कोई सुंदर पुरुष गुजर जाए, ऐसे भी बीमारी ठीक टाइट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे एकदम मस्त होती कि देखिए कोनो बीमारी नहीं। वही है गैब्रियल बाटन के द्वारा सही कर दिया गया। तो उस वक्त जो सूबेदार था बंगाल का, सूबेदार समझते हैं, जैसे हमारे देश में इस वक्त हमारा ये देश है ये कई राज्यों में बटा है तो हम लोग राज्य बोलते हैं, तो लेकिन जब मुगल शासन था तो उसको राज्य को राज्य न करके क्या बोलते थे? सूबा बोलते थे, सूबा। आज हम राज्य के जो मुखिया होते उसे क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो इसी प्रकार से सूबे का जो मुखिया होता था उसे क्या बोलते थे? सूबेदार। क्या बोलते थे? सूबेदार। जैसे आज हम लोग बोलते हैं, आज भी तो बोलते हैं कि हमारे सूबे में चुनाव होने वाला है, तो सूबे का मतलब राज्य हुआ करता है, ठीक है। तो वहां का जो बंगाल जो राज्य था उसका जो सूबेदार था उसका नाम था शाह सुजा। क्या नाम था? शाह सुजा। तो अब चूंकि राजा की पुत्री का इलाज किया है तो सूबेदार जो शाह सुजा था ये खुश होकर के बंगाल बिहार और उड़ीसा, ये तीनों एक उसी के अंतर्गत आते थे, बंगाल बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले कि मतलब तुम हमें, ये जो सूबेदार शाह सुजा था इसने अंग्रेजों से कहा, किस अंग्रेज से? गैब्रियल बाटन से, कहा कि 3000 रुपए हम आप हमें दीजिए और आप यहाँ पर क्या कीजिए, व्यापार मुक्त होकर कीजिए, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं होगा। उस वक्त 3000 की बात थी, तो 3000 उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज के मामले में 3000 की कोई कीमत नहीं। आज तो कोनो एक गांव के लिए भी, आज तो प्रधान भी जानते हो कि एक परिवार पे 3000 खर्च हो जाता है दारू मुर्गा के नाम पे, ठीक है, दारू मुर्गा के नाम पे और सिगरेट धराने में 3000 खर्च हो जाते हैं। तो उस वक्त बंगाल बिहार उड़ीसा तीन जगह कुछ ने फ्री में क्या कर दिया, व्यापार प्राप्त कर लिया 3000 रुपये, किसने? गैब्रियल बाटन ने, ठीक है। तो ये पूछा जाता है गैब्रियल बाटन। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है तो पूछ लेगा, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो नाम याद है कि विलियम हेजेज,
विलियम भेजे। अभी भी अगर मैं पूछ अभी एग्जाम करवा दूं मैं और मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि बंगाल का गवर्नर प्रथम कौन था और मैं ऑप्शन में दे दूं विलियम हेजेज और एक कार्नवालिस दे दूं और एक दे दूं वारेन हेस्टिंग्स और एक दे दूं एक और जो था क्लाइव लॉर्ड क्लाइव, पूछूं कि बंगाल का गवर्नर कौन था तो सब लोग क्लाइव पे लगाएंगे या वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रहे आपको कि प्रथम गवर्नर जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर वो था विलियम हेजेज। समझ में आई बात? गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तब वो क्लाइव होगा, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था अंग्रेज उसका नाम क्या था? विलियम हेजेज। मुझे उम्मीद है कि आईएएस के लिए एग्जाम कर तैयारी करने वाला व्यक्ति 90% गलत मारेंगे इसको, ठीक है, विलियम हेजेज था। फिर उसके बाद औरंगजेब के काल में शासक, ये औरंगजेब वही था जो ऐसा नहीं कि गलत था, बहुत बढ़िया ये भी राजा था, बहुत बढ़िया राजा। अब कुछ जो कट्टर हिंदूवादी होंगे उनकी नजर में भले घटिया हो और मेरे नजर में तो सब राजा महान ही है, महान भी है मूर्ख भी है, सब तरीके से मैं देखता हूँ। तो देखिए 1680 में इसने क्या किया, 1658 में देखिए वो अपने पिताजी को गद्दी जेल में बंद कर दिया, फिर उसके बाद गद्दी पे बैठता है औरंगजेब। तो औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 के बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना समझते हैं। तो 1680 में उसी के समय में औरंगजेब के समय इसने 2% चुंगी का मतलब होता है कि आप मेरे यहाँ व्यापार करेंगे तो आप मुझे व्यापार के बदले जो टैक्स लगाएंगे उसे हम चुंगी कहते हैं। तो औरंगजेब ने अंग्रेजों से कहा कि आप मुझे जितने का व्यापार करेंगे उसका 2% मुझे यहाँ पर टैक्स दीजिए, उसे कहेंगे चुंगी, उसे क्या कहेंगे चुंगी। और 1.5% जजिया कर भी थोप दिया, जजिया कर भी थोप दिया अंग्रेजों पर। जजिया कर समझते हैं कौन सा कर होता है? जजिया कर का मतलब ऐसा कर जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और भाई ये बहुत पहले से चला था ना कि अगर आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। आपको जजिया कर देने का मतलब है कि आप हो सकता है कि इस टैक्स को न देने के बदले आप कहेंगे कि भाई मैं मुस्लिम धर्म कबूल कर लेता हूँ तो मुझे टैक्स नहीं देना होगा। तो एक तरीके से मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए भी ये था जजिया कर। तो अंग्रेजों ने सोचा बड़ा अजीब है भाई, ये तो मैं इसका धर्म नहीं अपना रहा हूँ तो ये मुझे मुझसे गैर धर्म के नाम पर टैक्स वसूल लें, कितना ये मूर्ख व्यक्ति है। तो जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि अंग्रेज भारत में शासन करने के उद्देश्य से आए थे, वो शासन करने के उद्देश्य नहीं, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। जब तुम ऐसा टैक्स लगाओगे, कभी उनका फैक्ट्री उखाड़ के फेंक दोगे, कभी उनसे टैक्स एक्स्ट्रा वसूल लोगे, कभी उनको मार के भगाओगे किसी दूसरे द्वीप पर भगाओगे, ऐसे समय वो क्या करेंगे? ऐसे समय तो सोचेंगे ना कि तंग आ जाएंगे, तो कहेंगे कि अब कुछ नहीं, यहाँ का राज्य अपने हड़प लेते हैं, यहाँ का शासक मैं बन जाता हूँ। तो वही मामला था, अंग्रेज यहाँ के जब राजाओं से तंग हो गए तो उन्होंने यहाँ के राज्य का हड़पने का अपना उद्देश्य बना लिया। तब तक 1688 में क्रांति भी होगी, और देखो ना 1680 मामला है और 1688 में ब्रिटेन की क्रांति, वहाँ पर लोकतंत्र सरकार है तो ऐसे भी शक्तिशाली हो जाएगी वहाँ पर लोकतंत्र सरकार। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जजिया कर नहीं देंगे जहाँ औरंगजेब से, औरंगजेब उस वक्त भारत में सबसे शक्तिशाली राजा था, इसको गुस्सा है कि काहे नहीं दोगे भाई, ये मेरा देश है मेरी मर्जी चलेगी। अंग्रेजों ने कहा ठीक है। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल से भगा दिया, अंग्रेज जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए वो कहाँ भागे, नहीं तो अंग्रेजों ने देखो पहले हुगली को लूटा, हुगली बंगाल की बंगाल में पड़ता है, हुगली कलकत्ता के बगल में, हुगली को लूटा कि भाई लूट करके ही औरंगजेब को पैसा देंगे, ऐसा सोचा कि हुगली को लूट के ही औरंगजेब को पैसा देंगे। लेकिन जब औरंगजेब को पता चला कि हुगली को लूट कर मुझे पैसा दिया जा रहा है तो उसने क्या किया, इन अंग्रेजों पर चढ़ाई कर दी। और ऐसे समय में अंग्रेज जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए फीवर आइलैंड, आइलैंड का मतलब क्या होता है कि मुख्य भूमि से दूर हुआ क्षेत्र जो चारों ओर जल से क्या हो, घिरा हो। तो अंग्रेज अपना जल वाले भाग के एरिया में आइलैंड पे भाग के बचने के लिए, अब जल से घिरा है इसका मतलब है कि नाव से होकर आना पड़ेगा, और नाव की सेना में सबसे मजबूत कौन थे, ब्रिटेन वाले सोच रहे थे कि औरंगजेब अपना लेकर के सेना आए कहाँ पर, इस फीवर आइलैंड पे, तो बीच में इसको डुबा देंगे पकड़ के इन लोगों को। अंग्रेज बड़ा चलाक थे, सोच रहे थे कि मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर आ जाए, वो आएंगे नाव वो लेकर तो डुबा के उगा देंगे, ऐसा सोचे थे। लेकिन औरंगजेब ने अपना सेना भेजा ही, तो अंग्रेज बड़े चलाक थे, वो लोग थोड़ा सा फीवर आइलैंड पर भाग गए, इसलिए वो द्वीप पर भाग के जाते थे ना, सोचते होंगे कि औरंगजेब ने कहा जाकर द्वीप को आगे नहीं मार दिया, एक बार गया तो होता,
बचकनी आते तो बड़े चलाक थे ब्रिटेन वाले, इनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1691 में चारनार, अब तो अंग्रेज की बात ही क्या पूछना, अब तो निराला हो चुके थे क्योंकि 1688 क्रांति हो गई। अब वहां पर लोकतांत्रिक सरकार, यानी वहां पर अब राजा का शासन नहीं, अब वहां पर प्रधानमंत्री का शासन हो गया। प्रधानमंत्री जब भी बैठेगा वहां पर गद्दी पर, तो वहां पर वो एग्जाम लेगा, सोच समझ बुद्धि वाला व्यक्ति को क्या करेगा, गद्दी पर बिठाएगा। अब वहां पर राजा का शासन प्रधान है। तो 1691 में उसने एक व्यक्ति भेजा जिसका नाम था चारनाक। क्या नाम था उसका? चारनाक ने सूतानाती में फैक्ट्री स्थापित की। वहां के राजा के द्वारा चारनाक को भेजा गया भारत में कि जाओ भाई भारत में तुम फैक्ट्री व्यापार को आगे बढ़ाओ। वो जब भारत में आता है तो औरंगजेब से लड़ाई नहीं करता है, वो जान गया चारनाक, वहां का राजा जो कि अब प्रधानमंत्री बना है जनता के द्वारा। तो वहां का राजा सोचता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो भारत में अपना व्यापार कैसे स्थापित करेंगे। वहां के राजा ने कहा ऐसा करो, पढ़े लिखे व्यक्ति को भेजा चारनाक को, जाओ भारत में औरंगजेब के साथ पहले ठीक से बैठ कर समझाओ कि महाराज बैठिए, हाल चाल कीजिए, हम लोग अब हाँ खूब बढ़िया से काफी चाय के साथ, चाय लेकर नहीं काफी लेकर आया, चाय तो भारत में पहले भी ब्रिटेन लेकर आया था, अब कहा कि काफी लेकर चलो, काफी पिलाओ औरंगजेब को। अब औरंगजेब को काफी लेकर आया, औरंगजेब पी करके थोड़ा शांत हुआ, तो अब उसके साथ चारनाक ने कहा हाँ अब बात होती है ठीक से। तो चारनाक ने कहा अब हमें भाई ऐसा, हमें आपके यहाँ शासन वासन नहीं करना है, नहीं आपसे लड़ाई लड़नी है, आप तो महाराज है, आप तो अल्लाह के द्वारा भेजे हुए एक अमूर्त विरासत है। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ कि इतना बढ़िया अंग्रेज है, मेरी तारीफ भी इतना अच्छा से करते हैं। तो सूतानाती, ये बंगाल में एक जगह पड़ता है सूतानाती, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, वहां पर अपनी ये फैक्ट्री स्थापित की किसने? चारनाक ने। पूछा जाता है कि बंगाल में अंग्रेजों ने 1691 में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? बंगाल में, तो सूतानाती में। कहां पर स्थापित की थी? सूतानाती, बंगाल में एक जगह है सूतानाती, जगह का नाम स्थापित किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पर शासन स्थापित हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब इस तरीके से इनके साथ व्यापार चलता रहा। फिर उत्तर मुगल कालीन औरंगजेब के शासनकाल में इतनी कहानी पढ़नी थी, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल कालीन शासन। उत्तर मुगल कालीन शासन मतलब औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में होगी, उसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं उसे कहते हैं उत्तर मुगल कालीन शासक। वो कमजोर शासक हुए जिनको आसानी से अंग्रेजों ने हरा दिया। लेकिन एक क्वेश्चन हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा है, इसके पहले मैंने कंपनी का पूरा नाम बताया था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ईस्ट, बताया था ना कंपनी का नाम, उस कंपनी का नाम जो ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था वो किस एक्ट के तहत पड़ा था? 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा आगे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि उस चार्टर एक्ट में इसका नाम पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इतनी कुछ बातें थी, आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद और सभी को गुड नाइट, बाय।